हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप कुमार आप सभी का फिर से स्टडी टिप्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां पर हम लोग चर्चा कर रहे थे 100 डेज टारगेट बैच के अकॉर्डिंग एलसीएम एंड एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जिसमें ईजी ट्रिक्स एंड विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डील कर रहे थे और डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम लोग फिर से पार्ट थर्ड पर आए हैं एलसीएम और एचसीएफ के। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से कि क्या क्वेश्चंस आज के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपका यहाँ पर लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों ने लिया है, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। 13, 39, 78 का लघुतम समापवर्तक दैट मीन्स LCM ज्ञात करना है, तो ये कैसे होगा? तो इसका आंसर डायरेक्ट 78 हम लोग लिख सकते हैं। कैसे? तो इसके बारे में हम सिर्फ इतना ही ये बता देते हैं कि कोई भी नंबर्स अगर इस टाइप के LCM दिया हो और अगर वो उसके पूर्णता कोई भी नंबर से पूर्णता विभाजित हो जाए, जैसे ये नंबर 13 है, 13 से ये भी विभाजित हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, तो दोनों के लिए उसका जो LCM होगा, जो मैक्सिमम या बड़ा नंबर होगा, बड़ी नंबर जो होगी वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा ट्रिक्स तो आप एक दो बार कुछ ऐसे ही करके नंबर्स को चेंज करके आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये थी इजी ट्रिक्स। में आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। 9, 18 एंड 21 का HCF निकालना है। HCF तो देखिए ऐसे बताने से, मतलब देखने से ही समझ में आ जा रहा है कि इसका आंसर 3 होगा, क्योंकि इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे क्या मतलब होगा, इसको एक बार इरेज कर देते हैं। चलिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा नंबर है लोएस्ट जो इसमें कॉमन हो, वन को छोड़कर, क्योंकि वन तो सभी में कॉमन होते हैं, इसलिए उसका यहाँ पे मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग इसको लॉन्ग ट्रैक में करेंगे तो देखिए 3 से तो डिवाइड हो रहा है, मिनिमम 3 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों को डिवाइड कर रहा है, 9 को भी, 18 को भी एंड 21 को भी। अगर हम इसका गुणनखंड भी चाहें तो वो इजीली आप निकाल सकते हैं, जैसे 9 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। 18 का फिर कर सकते हैं, तो 18 का कितना कर सकते हैं, 9 × 2, और फिर 9 का हम लोग कर सकते हैं 3 × 3 × 2। देखिए फिर हम लोग 21 का कर सकते हैं, तो 21 का डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं 7 × 3। जो 3 नंबर जो कॉमन आ रहा है 3, 3, 3 तीनों में, ये आपका हो जाएगा HCF। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं और ये इजी ट्रिक्स के साथ। 9, 27 एंड 54 का इसका आंसर जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, क्योंकि देखिए 9 जो है एक ऐसा फैक्टर होगा यहाँ पे जो कि 27 को भी डिवाइड कर रहा है और 54 को भी डिवाइड कर रहा होता है, तो 9 आपका डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा कि HCF इसका जो है 9 होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट फैक्टराइज करके देख लें, 9 × 1, इसके बाद 27 का फैक्टराइज करेंगे तो 9 × 3, 54 का करेंगे। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि तुरंत से कैसे निकालें, तुरंत से कैसे फैक्टराइज करें, तो आप डिवाइड भी कर सकते हो। आप डिवाइड कैसे, आप हो सकता है एलसीएम निकाल लो इसका, 54 का आप निकालते जाओगे तो आपको एक पूरा टर्म मिलते जाएगा, है ना, पूरा टर्म मिलते जाएगा। आप किसी भी नंबर से इसको करो, जैसे 3 से हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 3 × 1 = 3 एंड 18, है ना। अब 18 का आप लोग आराम से निकाल सकते हो, 9 से डायरेक्ट डाल देते हैं तो 2, तो देखिए कैसे निकल गया 9 × 3 × 2, तो ये आपका जो फैक्टर हो गया यहाँ पे, 9 जो कॉमन हो गया, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको इसका आंसर तुरंत क्विक मिल जाता है तो तुरंत क्विक कमेंट कर दीजिए नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पे पावर 7, 3 पे पावर 12 एंड 3 पे पावर 17 का लघुतम समापवर्तक ज्ञात करें। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इसमें आंसर क्या होने वाला है। LCM पूछा गया है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, बहुत आसान है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे भी 5 to the power 9 -9 दिया हुआ है, 5 to the power -7 दिया हुआ है एंड 5 to the power -14 दिया हुआ है उसका एलसीएम। तो सबसे बड़ी संख्या आपको कौन सी नज़र आ रही है यहाँ पे? सबसे बड़ी संख्या, बहुत कोई कहेंगे कि 5 to the power -14। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सबसे बड़ी संख्या तो दैट मीन्स आप गलत है। यहाँ पे आपका ये आंसर होगा ये, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर माइनस का पावर अगर सबसे ज़्यादा कम है तो वो सबसे बड़ी संख्या होगी। ओके, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 5 to the power -7 इज द राइट आंसर। ओके, बिकॉज वी कैन से दैट -7 इज ग्रेटर देन -14, आप ये कह सकते हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं इस टर्म को, इसलिए। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान था, जो कि आप लोग इजीली वहाँ पे टाइम बचा सकते हो। एक्चुअली इसमें होता है क्या है, एक्यूरेसी आपको देखना है। जितने भी इजीली जो बन जाने वाले क्वेश्चन है, जो इजी बन जाता है, जो इजीली सॉल्व हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम जो लगता है वो तो कम लगता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इजी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने के टर्म में क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में उसको गलत कुछ आंसर मार कर निकल जाते हैं। तो ये नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है थोड़ा सा, और आपको उसको दो बार चेक कर लेना है कि यस आई एम श्योर दैट इट ये सही है, ये करेक्ट है। ओके, क्योंकि वो तो आसानी से वो नंबर मिल जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 to the power 3 एंड 3 to the power 2 का लघुतम यानी कि एलसीएम ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, देख लेते हैं हम लोग एलसीएम कैसे हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 to the power 3 को 8 लिख सकते हैं एंड 3 to the power 2 को हम लोग 9 लिख सकते हैं। अब होगा इसका कोई भी गुणनखंड एक दूसरे से संपर्क नहीं है। देखो कोई भी यहाँ पे हम लोग जो देखते हैं, कोई भी फैक्टराइजेशन एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया आपका आंसर। कोई भी फैक्टर, अगर अदर कोई ए एंड बी कोई नंबर है, और अगर ए का फैक्टर और बी का फैक्टर कभी भी मैच ना करे, यानी कि डिसमैच्ड हो, डिसमैच्ड, तो क्या होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन ए इंटू बी आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, 13 नंबर पर हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, 3 to the power -2, 2 to the power -5 एंड 4 to the power -3 का लघुतम समापवर्तक ज्ञात करें। इसके लिए हम एक और ट्रिक आपको बता सकते हैं कि अगर आपको ये लग रहा है कि यहाँ कन्फ्यूज़न है कि कौन सी नंबर बड़ी है छोटी है, तो आप इसको इस टर्म में लिख लें 3 to the power 2। ओके, इसके बाद 2 का क्या हो जाएगा, 1/2 to the power 5 एंड 4 का क्या हो जाएगा, 1/4 to the power 3, क्योंकि माइनस का टर्म जब भी नीचे आता है, हर के रूप में जब भी आ जाता है, तो यहाँ पे गुना हो जाता है। तो अब आप इजीली यहाँ पे लिख सकते हैं 1/9, इसको लिख सकते हैं 2 to the power 5 का हो जाता है 32, इसके बाद 4 to the power 3 का हो जाता है 64। आप लोग इसका इजीली अंश और हर के रूप में आप इसका इजीली आप निकाल सकते हैं कि कौन से नंबर आपका इसमें लघुतम समापवर्तक क्या होगा। ओके, कभी भी इस तरह के टर्म्स में, कभी भी इस तरह के टर्म्स में अगर कुछ भी कॉमन ना आए, कुछ भी कॉमन ना आए, तो देखिए अंश का क्या होगा, एलसीएम। हम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ा था, अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर में आई बटन से क्लिक करके या प्लेलिस्ट में जाके आप पहले देख सकते हैं कि कभी भी पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे नंबर, जब पी बाई क्यू के फॉर्म में रहे, जैसे P1/Q1, P2/Q2 एंड P3/Q3, इस तरह के नंबर्स रहे, तो फिर आप कैसे उसका एलसीएम एंड एचसीएफ निकाल सकते हैं, वो आपका प्रीवियस जो भी हम लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, जो भी क्लासेस बनाए हैं, उसमें आप लोग इजीली समझ सकते हो, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे है क्या कि जितने भी अंश है यानी कि जितने भी अंश है उसके एलसीएम हम लोग निकालेंगे, डिवाइडेड बाय जितने भी हर हैं उसका एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं, तो एलसीएम हमेशा ऊपर रहेगा। अगर एचसीएफ निकालते तो एचसीएफ ऊपर रहता, बाकी नीचे। अब इसका क्या होगा, एलसीएम तो 1 ही होगा क्योंकि सब 1 ही है ऊपर में, और इसका आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो भी आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1।
ओके, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। और बहुत ही आसान क्वेश्चन और एक है, आप अगर बनाने सीख गए तो आपके लिए बहुत आसान होगा, और आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो या किसी भी तरह से नहीं बना पा रहे हो तो आपके लिए बहुत ही हार्ड या टफ क्वेश्चंस आपको लगेगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस का आप कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, 2 to the power 8, 2 to the power 10 एंड 2 to the power 15 का महत्तम समापवर्तक निकाले। तो महत्तम समापवर्तक जैसे बोले तो सबसे छोटी संख्या जो नज़र आए, 2 to the power 8 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आसानी से। अगर एलसीएम बोलता तो सबसे, अगर एलसीएम बात किया, ये एचसीएफ का बात किया है, ये एचसीएफ का बात किया था, अगर एलसीएम का बात किया जाए तो क्या होगा, इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताइए मुझे। आगे बढ़ते हैं। 10 to the power, देखिए यहाँ पे HCF निकालने बोला है, HCF निकालने बोला है, अब तुरंत आपको मिल जाएगा कि जो भी सबसे बड़ी संख्या है या जो भी सबसे छोटी संख्या है आपको आंसर देना है नीचे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सबसे छोटी संख्या जो होगी तो वो HCF हो जाएगा। तो सबसे छोटी क्या है, -18। माइनस में जितना बड़ा टर्म रहेगा उतना वो छोटे हो गए, और जितना छोटा टर्म होगा जैसे 12 ये उतना बड़ा संख्या यहाँ पे रहेगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 to the power 18। बिना पढ़े क्वेश्चन देखिए हम लोग इजीली यहाँ पे निकाल लिए, 7 to the power -12, -13, -18 का HCF निकाले। आगे बढ़ते हैं। और एक सवाल, 5 to the power 2 मतलब 5 का स्क्वायर एंड 4 का क्यूब का महत्तम यानी कि HCF निकालना है, तो सबसे लोएस्ट नंबर निकालना है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि अगर आप चाहो तो इसका फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो, कि देखिए यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग फैक्टराइजेशन में कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1 × 5 to the power 3, और इसको लिख सकते हैं 1 to the power 4 to the power 3। तो फैक्टराइजेशन में 1 कॉमन होगा, तो HCF क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 में। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आई थिंक इस सेशन का एलसीएम और एचसीएम का अंतिम क्वेश्चन टाइप होगा, और ये सब सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए आप निश्चिंत होकर इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एसएससी में आए हुए हैं, आपके स्टेट बोर्ड में आए हुए हैं, जो भी क्लर्कियल ग्रेड एग्जामिनेशन है उसमें आए हुए हैं, तो ये सब आप लोग इजीली प्रैक्टिस कीजिए। 2 to the power -2, 4 to the power -3 एंड 6 to the power -2 का HCF निकालना है, ये HCF। ओके, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, सबसे जो लोएस्ट नंबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, आप समझ सकते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूज़न हो रहा है समझने में, तो आप एक काम करते हैं, 2 to the power 2, फिर 1/4 to the power 3, फिर 1/6 का स्क्वायर, यही कर सकते हैं। अब P/Q के फॉर्म में आ गया आपका HCF, कैसे हम लोग निकालेंगे, तो हमेशा याद रखना है, जो भी HCF अगर निकालना है, HCF अगर निकालना है तो अंश का HCF डिवाइडेड बाय हर का LCM, यही ट्रिक है और टिप है इसमें। तो इसमें क्या होगा, 1 हो जाएगा उसका, और नीचे का क्या हो जाएगा, हर का, क्योंकि 4 है, 16 है एंड 9 है। इसका LCM आप चाहो तो लॉन्ग टर्म में भी निकाल सकते हो। कैसे निकालना है देखिए, हम लोग बचपन से सीखे हैं इस ट्रिक को। फोर, और इसमें कितना हो जाएगा, 64, और ये क्या हो गया, 36। 4, 64 एंड 36, इसका एलसीएम आप निकालो, तो 4 से जाएगा तो कितना होगा, 1, 16 और 9, यही होगा ना। तो देखिए 4 रह गया, 16 हो गया और 9 हो गया, तो वो नीचे आ गया आपका टर्न। ओके, यानी कि उससे एलसीएम, तो अब आप इसका निकाल सकते हैं, 1/5, 7, 6 आपका आंसर आएगा। तो ये था बहुत ही खास कुछ एलसीएम एंड एचसीएफ के ट्रिक्स। हम लोग यहाँ पे 100 डेज टारगेट बैच में मैथ्स, रीजनिंग, GK GS, करंट अफेयर्स लेकर आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी बहुत ही खास, हम लोग नेक्स्ट सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर में बात करेंगे, सिंपल एंड डेसिमल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है मैथमेटिक्स के रूप में, फ्रैक्शन। इस चैप्टर के ऊपर में अगला वीडियो रहेगा हमारा, और आपको किस चैप्टर से वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, क्योंकि 100 डेज टारगेट बैच आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे।